बॉलीवुड में काफी बेहतरीन कलाकार और लाखों लोगों के चहेते खिलाड़ी कुमार यानी अक्षय कुमार अपनी फिल्मों के जरिए अपने दर्शकों के दिलों में बसते हैं। अक्षय कुमार को पिछले वर्षों से असफलता बेहद ही कम नसीब हुई क्योंकि उनकी ज़्यादातर फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। चाहे उनकी फिल्म टॉयलेट एक प्रेम कथा हो या फिर पैडमैन, सभी ने बॉक्स ऑफिस पर कमाई के नए कीर्तिमान स्थापित किए। अक्षय कुमार बॉलीवुड इंडस्ट्री के अकेले ऐसे कलाकार हैं जो साल में 3 से 4 फिल्में कंप्लीट कर लेते हैं। अक्षय कुमार को बॉलीवुड के दूसरे बड़े सितारों की तरह साल में केवल 1 या 2 फिल्में करना बिल्कुल भी सही नहीं लगता। उनका मानना है कि किसी भी मूवी को पूरा करने में ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 महीने लगते हैं। इस प्रकार बॉलीवुड के अभिनेता अक्षय कुमार साल में 3 से 4 फिल्में आसानी से साइन कर लेते हैं। फिलहाल अक्षय कुमार इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा टैक्स पे करने वाले कलाकारों में सबसे टॉप पर भी आते हैं। अक्षय कुमार फिलहाल अपनी रोबोट 2.0 को लेकर अपने चाहने वालों के बीच काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं। फिल्म में उनका लुक लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा है और उनके चाहने वाले अक्षय को जल्द से जल्द बड़े पर्दे में इस रूप में देखना चाहते हैं। खुद अक्षय की मूवी रोबोट 2.0 में काम करने को लेकर बहुत ज़्यादा उत्साहित दिखे। वहीं रजनीकांत के साथ काम करने को लेकर उन्होंने काफ़ी गौरवान्वित महसूस किया। अक्षय कुमार पहली बार किसी मूवी में पूरी तरीके से नेगेटिव करने जा रहे हैं रोल। लोगों के बीच यह बात काफ़ी चर्चा का विषय बनी हुई है कि अक्षय कुमार ने इस फिल्म में काम करने के वास्ते फिल्म के डायरेक्टर से कितनी फीस ली। आज हम आपको यह बताने जा रहे हैं कि इस मूवी में विलन का किरदार अदा करने के लिए अक्षय कुमार ने काफ़ी ज़्यादा फीस ली है। आपको शायद ये जानकर हैरानी होगी कि अक्षय कुमार ने इस मूवी में काम करने के लिए डायरेक्टर से लगभग 50 करोड़ रुपये लिए हैं। अक्षय कुमार के मेकअप केवल यूनिट के करीब 5 करोड़ रुपए खर्च आ जाता था। वैसे भी अक्षय की पर्सनैलिटी और उनकी फिल्मी बैकग्राउंड को देखते हुए उनको मिलने वाली यह रकम कोई खास ज़्यादा नहीं है। वैसे इस मूवी का बजट करीब 450 करोड़ रुपए है। इस मूवी के डायरेक्टर फिल्म को दिवाली के मौके पर रिलीज़ करने की सोच रहे हैं। वहीं अब खबर आ रही है कि दिसंबर के अंदर भी इसकी रिलीज डेट फिक्स की जा सकती है 0 के अपोजिट। और भी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें देखो देखो और जुड़े रहें हमारे साथ, क्योंकि मिलती है आपको हर खबर सबसे पहले।